ये दहशतगर्द है, इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। विफाकी से रतलाता तारण ने अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी को भगौड़ा करार दे दिया। कहा कि फरार होने वालों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, ये अपने लीडर को रिहा कराने आए थे, खुद गिरफ्तार हो गए। मुजाहरीन चपले कपड़े गाड़ियाँ छोड़कर भाग निकले, सबूत मुकम्मल तौर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि रेड जोन से दाखिल होकर पार्लियामेंट हाउस पर हमला करना था, पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर कराने का प्लान था, जबकि सबूत मिटाने के लिए कंटेनर को खुद आग लगाई गई। इनके सारे मंसूबे खाक में मिल चुके हैं, कंटेनर के नीचे से जले हुए कागजात मिले जिनका फॉरेंसिक कराया जाएगा। दहशत गर्द से कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी, तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरवी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख ना करना, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। मैं तस्वीरें शेयर करूँगा और एक इसकी बकायदा वीडियो रिलीज करेंगे। वो जो कंटेनर को इन्होंने आग लगाई उसकी वजह समझ आ गई है, उसके नीचे कागजों की राख है, इन्होंने वहाँ पे बकायदा प्लान बनाए हुए थे और वहाँ पे एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने रेड जोन में एंटर करके पार्लियामेंट पे कैसे हमला करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।